तो भाई ये जो चार दुकानें बंद पड़ी है ना, इसका एक रीजन है, इसका एक रीजन है तो वही चलते जा रहे हैं। देखो हम जंगलों के बीच लाल टिब्बा से आगे जो रास्ता आता है, अब हम पूरा सर्कल ले रहे हैं क्योंकि एक चर्च आएगा, चर्च के बाद थोड़ा और जाएंगे तो फिर चार दुकान आ जाएगी दोबारा से, पूरा राउंड है ये। अगर आपको असली मसूरी एंजॉय करना है, नेचर का मज़ा लेना है, तो ये राउंड बिल्कुल मिस मत करना, ज़रूर इस राउंड को लेना। 2.5 किलोमीटर का राउंड है, धीरे धीरे एंजॉय करते हुए। सांप है, पता नहीं ये मरा हुआ है नहीं मरा हुआ। नहीं नहीं जिंदा हो जाएगा। नहीं मरा हुआ है, मर गया है। हाँ कीड़े खा रहे हैं ना, कीड़े खा रहे हैं उसको, देखो छोटा सा। अच्छा। बड़े बहुत तेज चलते हैं, ऐसे निकलते उड़ते हैं। वही काफी आगे आ गए हम, बहुत सारे ब्यूटीफुल व्यूज हम देखते हुए जा रहे हैं। सारे मैं कैमरे में कैप्चर कर नहीं पाऊंगा, इतना बड़ा हो जाएगा ब्लॉग फिर, इसलिए थोड़ी थोड़ी झलकियां दिखा रहा हूँ। ये भाई यहाँ वेट कर रहे हैं, चले भाई चलो 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 चार दो। ये भाई यहाँ का मशहूर कुछ इंस्टीट्यूट है, चर्च है, पता नहीं क्या है, इंस्टीट्यूट ही है शायद। यहाँ सुनने में आया कि फॉरेनर्स हिंदी पढ़ते हैं। उड़ गया तो भाई ये सब यहाँ पे बैठे फोटो शूट हो रहा है चर्च के आगे। चलें भाई चलो आओ चार दुकान चलो। A few moments later. दोस्तों आजकल इतना ज्यादा पॉल्यूशन है और ऊपर से 40 डिग्री की गर्मी, उसकी वजह से जो मेरी स्किन है वो ऑयली हो जाती है और उससे क्लॉग्ड पोर्स डेवलप हो जाते हैं जिसके अंदर डर्ट और ऑयल ट्रैप हो जाता है और फाइनली इट लीड्स टू एक्ने ऑन माय फेस। इसी चीज को ठीक करने के लिए मुझे चाहिए एक ऐसा फेस वॉश जो मेरे फेस को डीपली क्लीन करे और ऑयल कंट्रोल करने में हेल्प करे। बट अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास है मामा अर्थ का चारकोल फेस वॉश विद एक्टिवेटेड चारकोल एंड कॉफी। जी हाँ, ये फेस वॉश ऑयल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, क्लॉग पोर्स को अनक्लॉग करता है, मतलब पोर्स में जो डर्ट जम जाती है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। एक्टिवेटेड चारकोल डिटॉक्सिफाई करता है स्किन को, जो पॉल्यूशन स्किन में जम जाता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। कॉफी जो है हमारे फेस को एनर्जाइज करने में हेल्प करती है। कॉफी has antioxidants and anti-inflammatory properties जो पोर्स को टाइटन करती है, स्किन को इवन टोन करती है और सन एक्सपोजर के हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है। ओवरऑल जो एक्ने होने की चांसेस है ये फेस वॉश उसको कम करने में हेल्प करता है। इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट है जो है क्ले, क्ले ऑयल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, स्किन को ब्राइटन करता है और इसमें टी ट्री ऑयल भी है और टी ट्री ऑयल जो है वो पिंपल्स और एक्ने के लिए परफेक्ट है। हमारे स्किन को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है जो टी ट्री ऑयल होता है। ये फेस वॉश ऑल स्किन टाइप है, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल है, फ्री फ्रॉम पैराबेंस है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो फिर देर किस बात की है दोस्तों, इसको बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पे क्लिक करो और जितना मर्जी ऑर्डर करो। सबसे अच्छी बात है मामा अर्थ है जो प्लास्टिक पॉजिटिव है, जितना ये प्लास्टिक यूज करते हैं उससे ज्यादा ये रिसाइकल करते हैं। और हाँ, मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स हर स्किन टाइप के लिए सबसे अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात ये फ्री ऑफ टॉक्सिंस और हार्मफुल केमिकल इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मामा अर्थ की वेबसाइट या मामा अर्थ की ऐप से इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और मेरा पर्सनल कोड जो कि यहाँ पे आ रहा है मदान 2023 इसको यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा। मामा अर्थ के प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से अवेलेबल हैं अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल और हाँ स्पेशली मामा अर्थ की वेबसाइट और मामा अर्थ की ऐप पे तो अवेलेबल है ही। ऑनलाइन होने के साथ साथ इसके अलावा बहुत सारे मामा अर्थ के ऑफलाइन स्टोर्स भी खुल गए हैं। मॉल्स में जाएंगे आप, अपने नियर बाय मार्केट में जाएंगे तो अगर आपको कोई भी स्टोर या कुछ भी मामा अर्थ का दिखता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ आपको ये वाला स्टोर मामा अर्थ का दिखा है और आपने वहाँ से प्रोडक्ट खरीदा है। मामा अर्थ का एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है, उसको कहते हैं प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। आप मामा अर्थ से कोई भी कैसा ही प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं तो मामा अर्थ आपके ऑर्डर से एक वेबसाइट पे एक लिंक बनाता है जिससे वो एक ट्री ग्रो करते हैं। तो ये एनवायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव। जैसा कि मैंने कहा मामा अर्थ एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड बन चुका है और इजी टू अफोर्ड है। हाँ ये पॉकेट पे भी ज्यादा महंगा नहीं है, इनके प्रोडक्ट वेरी वेरी अफोर्डेबल है, आपको उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरा कोड यूज करो जैसा कि मैंने बताया मदान 2023 और आप बेझिझक ऑर्डर करो। अबे ये तो अभी तक बंद है, आप तो कहते खुल गए, पता नहीं यार ये क्या चक्कर हो गया। वही हम आए हैं देखो, घूम के पूरा राउंड यहाँ से गए थे, पूरा राउंड लेके यहाँ से आए और ये तो दुकानें अभी बंद है सारी। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, एक दुकान खुली है बस, अब सारे बंद हैं यार। क्यों आज क्या हो गया, यहाँ तो बैठने की जगह ही कम है, पकौड़े खा रहे हैं पहले से ही। चलो ठीक है,
कोई मैगी भी आ गई है, देखो कितनी सारी फालतू थोड़ी है। अंशी की पनीर थी, अरे अंशी की तो। और यहाँ पे चल रहा है बन मक्खन और कॉफी, चार दुकान का बन मक्खन। एक फोक देना यार भाई साहब, पांचवा ऑमलेट खा रहा हूँ यहाँ पर है, पांचवा ऑमलेट है ये, पांचवा बन मक्खन है भाई। हाँ, और दिल्ली में देखो ये बढ़ जाती है। सही बात है, पता ही लग रहा है, पता ही लग रहा है। अभी का ऑमलेट और बनाना है जी सर, मैं याद करता हूँ जी, बहुत अच्छे क्या मैगी देगी, सैंडविच एक और आएगा ना, एक और आ रहा है, चाय भी आ गई अभी। टेस्ट क्यों खराब हुआ? उनसे आपने क्या खाया, मैगी और कुछ खाना है? मैंने खाया और फ्रूटी अदरक वाली चाय, मजा आ गया ना अंशिका? ठीक है, मैंने तो पी नहीं। तो भाई ये जो चार दुकानें बंद पड़ी है ना, इसका एक रीज़न है, इसका एक रीज़न है इनके जो फर्स्ट शॉप है यहाँ की, इनकी शायद डॉटर की मैरिज है, तो इनकी एक शॉप खुली थी, ये भी कह रहे हैं हम कल जाएंगे, तो ये सारे लोग शादी पे गए हुए हैं इन भाई साहब की डॉटर की, अब पता लगा है। आई थिंक ये लड़ियाँ वड़ियाँ भी तभी लगी हुई हैं, सजा रखा है इन्होंने, तो ये एक रीज़न है कि ये बंद है, अदरवाइज तो खुली होती है, कोई ऐसी बात नहीं है, आज ही बंद है। चलो कोई बात नहीं, हमारा खाना पीना तो हो गया अच्छे से, अब हम यहाँ पर आ गए हैं। और कहाँ है? हाँ भाई, क्या कह रहे हो? आज का तो सुपर रहा यार। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पिछली बार तो साला बैक साइड में कोई बोधी मेरे भी हाथ चल पड़ा था। पैसा बड़ा डेंजरस आदमी था, अच्छा मजाड़ी था बंदा था, मेरे को तो वो साथ बदमाश लग रहा था। अच्छा हाँ, मेरे को कहते मैं तुम्हें कश्मीर ले चलूँ घुमाने, मैंने कहा चलो है। मैं तो कई रातें यहाँ केला बिठा चुका हूँ। अच्छा वाला कोई वाह ही नहीं। अरे वाह, ऊपर का चार दुकान किराए पर ली 15 दिन। हाँ ऊपर ही, और किसी चीज की बस 2 रुपया ली। अगली बार अपन यहीं ठहरेंगे, यहाँ पे जी। ये ऊपर वाला फ्लोर सही लग रहा है, पहले बोल्टा जी भी हमारे साथ आते थे, अब वो थोड़ा बिजी है, अगली बार आएंगे हमारे साथ। बिल्कुल, हमें हमेशा साथ आए, क्या बात है। पोज़ दे दो यार बढ़िया, ब्लॉगर आए वैसे वैसे ही पोज़ दे दो यार बढ़िया। अरे उसकी वो उसकी ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है उसको। नहीं कल भी रियल में मैंने देखा, बड़े प्यार कर रहा था ये, मैं सबको प्यार कर रहा था ये। हां अच्छा, कुछ शर्म आ रही है। हां सुन रही है, चला ओए खुश अंदर अंदर से खुश हो रही है। मेरे से नहीं बात, मैंने पीछे ही तो बैठी थी, इतनी गप्पें मार ली थी ये कल। चलो भाई, शाम के बज गए हैं 5, अब इस जगह को बाय बाय कहने का टाइम आ गया। 2023 का चार दुकान का सफर यहीं खत्म हो रहा है हमारा, अब आएंगे शायद 2024 में, होपफुली देखते हैं कैसा रहता है, इन वादियों में फिर से आएंगे, बट ये चारों खुली होती तो ज़्यादा मज़ा आता। चलो कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं। चलो भाई आ जाओ बेटा, नीचे जाके खेलेंगे ना गेम्स। चलो भाई चल पड़े हैं लाल टिब्बा से टैक्सी में। भाई लाल टिब्बे से निकल गए हैं, बैठ क्यों नहीं रहा? मैं प्यार का राही हूं तेरी जुल्फ के साए में, कुछ देर ठहर जाऊं। तुम एक मुसाफिर हो, कब छोड़ के चल दोगे, ये सोच के घबराऊं। मैं प्यार का राही हूँ तेरी जुल्फ के साए में, कुछ देर ठहर जाऊं। तुम एक मुसाफिर हो, कब छोड़ के चल दोगे, ये सोच के घबराऊं। मैं प्यार कर रहा हूं।
few moments later. तो भाई उतर गए हम माल रोड पे लाल टिब्बा से और जा रहे हैं बस होटल की तरफ धीरे धीरे. देखते हैं अब सफर कहाँ की तरफ मुड़ता है हमारा. मुझे दूर तो चाहिए. यह बाटा है तो वो गेम खेलने आ गए हम जैकपॉट. ये दो आ गए. दो सिक्के आ गए. चलो दो नहीं एक ही निकलेगा. दो डाले थे ना. चारी बहुत जोर लगा दी. संतरा जी संतरा लाओ. चलो छोड़ो जोर लगा करो. बैंगन आ गया. बैंगन है ये पता नहीं क्या है. वही लाल टिब्बा के बाद सीधा अपनी पुरानी मशहूर कुल्लड़ की दुकान पे आ गए. कुल्लड़ दूध और जलेबी रबड़ी और इनका सातवा दूध आई. छह दूध पी चुके. सारे दूध जाकर होटल तक पहुंचना बहुत जरूरी है. कैसा पी के दिखाओ. तीन कुल्लड़ रोटी हो जा जरा. मैं जलेबी खाती हूं. वो लाएगा. नहीं नहीं वही फिर से आ गई रबड़ी जलेबी चमकदार. क्या कर लिया था. जाओ लो जी बताओ ना. वो अपनी आगे रोक लिया. पता है ना भाई कुल्हड़ मिल्क भी आ गया. भाई मजा आ गया ना. पता है ना भाई ले पूजा. इधर देखो न्यूटन खाई शंशी. कैसे हंस रहे हो मजे से. मुझे भी बैठना है. तो भाई ये देखो मसूरी माल रोड का हाल बड़ा बुरा हो गया. हम हमारा होटल यही है. आई थिंक ये गनील आगे तक इधर गांधी द्वार तक है. अब कहाँ तक है उसका स्टेटस तो पता नहीं. देखने वाली बात है. बट पिक्चर पैलेस पे भी हाल ठीक है. यहीं पे गड़बड़ हो रखी है सारी. तो भाई पहुँच गए हम अपने होटल. शाम का टाइम सनसेट हो रहा है. होटल पहुंचते रेस्ट करते हैं. थकान हो गई है काफी. लाल टिब्बे आज काफी घूमे हैं. बड़ा मजा आया. बहुत अच्छा वेदर था. इट वाज अ ग्रेट सक्सेस हमारे लिए. भी लाल टिब्बा जाने एक अचीवमेंट की तरह होता है. इतने सारे लोगों को लेके जाना और सक्सेसफुली वापस आ जाना तो सब अच्छा रहा. बहुत बढ़िया रहा. वाह वाह आती लेट गई है आराम से अपना. ये देखो सॉफ्टियाँ खा रही है. ये भी लेट गई. वो पता नहीं क्या ही कटिंग वटिंग में लग गई आती. सब रिलैक्स्ड एकदम. क्या देख रही हो. क्या ये देखो भाई लाल टिब्बे पे जो फोटो खिंचवाई थी ना एक पे एक आध हमने प्रिंट भी कराई. ये देखो ठीक ही है. A few moments later. आ गए हम माल रोड फिर से. वेलकम बैक टू द ब्लॉग. डिनर के लिए आए हैं माल रोड. देखो भाई चकाचौंध. आज थोड़ी भीड़ है कल के मुकाबले. थोड़ा रश हो गया. टूरिस्ट आ रहे हैं क्योंकि कल की छुट्टी अनाउंस हो गई है ना तो काफ़ी लोग आ गए हैं. हाय बोल दो भाई. हाय अंशी. हाय बोल दो. हाय गाइस. और हमारा डिनर का प्रोग्राम है यहाँ पे. हमने कहा था सैंडोस पे खाएंगे. देखो भाई आ रहे हैं सब. काफ़ी रश हो गया भाई माल रोड पे. तो चलो चलते हैं सैंडोस में देखते हैं कैसा है. आपको भी दिखाते हैं. भाई बाहर मिल गया हमें टेबल. बाहर ही बैठना चाहते थे हम. माल रोड का व्यू भी मिलता रहेगा और यहाँ भी रहेंगे. वही ये देखो सैंडोज में मिल गई टेबल बाहर. और माल रोड का व्यू एकदम सामने है ना. ज़बरदस्त. थोड़ा पीछे से दिखाता हूँ तब समझ आएगा आपको. ये देखो ये माल रोड है और ये हम लोगों का टेबल लग गया. ऑर्डर आना शुरू हो गया धीरे धीरे. प्याज चटनी मंचूरियन सब आ रहा है. धीरे धीरे आ रहा है सब. वही नॉन वेज भी आ गया. बट्टी चिकन फेवरेट हमारा. लो यार खा लो. ये बेचारे वेजिटेरियन वाले ही नहीं खाती क्या. नहीं खाती है. कितनी बड़ी झूठी है. मतलब मैंने कब बोला था कि अभी कैमरा बंद होगा तो खाएगी. A few moments later. अपलोड होगी इंस्टाग्राम पे. कितना ज्यादा. कहते तो मोटा हो गया. बहुत बच्चा था ना. एकदम से बड़ा हो गया. हाइट भी सही होगी ना इसकी. उम्र भी तो मेरे से भी छोटा होगा वैसे. और क्या 23 साल का.
और हाँ सब्सक्राइब कर दिया करो यार, सब्सक्राइब बटन फ्री है, मैंने बताया था आपको, ये देखो ये ना वो जो लाल वाला बटन आ रहा है, दबा दो उसको, क्या जाएगा, और घंटी भी जरूर दबा देना, ठीक है। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बाय। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। बूम।